गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? ये क्या है बताओ? मेरे हाथ में क्या है? मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जूस। प्लस यानी जोड़। जोड़ का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं जोड़ का मतलब क्या होता है, जमा करना, इकट्ठे करना चीजें, है ना। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं जोड़। और जोड़ में आप देखिए मेरे पास ये देखिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? और क्या क्या दिखाई दे रहा है ये बताइए, कितना है? और ये तीन। ओके अच्छा ये बताइए, अब मेरे पास कितने बच्चे हैं? एक दो तीन चार, ध्यान से गिनो, एक दो तीन और चार। और मैंने इसमें तीन सफेद मोती और जोड़ दिए। अब रखना बताइए पूरे कितने हुए? आप पता कैसे गिनोगे? ये देखो, ये चार, चार से आगे की गिनती बोलो, पांच छह और सात। तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों यहाँ पे बताओ? मैंने चार में तीन को जोड़ा, चार पांच छह और सात। हाँ तो मैं क्या लिखूंगी जरा बताओ आप? यहाँ पे लिखूंगी सात। चार। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना है बताइए? पांच। और ये है कितना? दो। तो पांच के साथ मुझे दो जोड़ना है, यानी मेरे पास है पूरे पांच। ठीक है, ये देखो ये कितने हैं? तीन चार पांच, कितने हुए ये? पांच से गिनो ध्यान से, सोच समझ के बोला करो बेटा, एक दो तीन चार पांच। अब पांच में मैंने दो और जोड़ दिए, ये देखिए। अब बताइए पांच की आगे की गिनती बोलो, एक और ये सात। हाँ तो पांच में दो जोड़ा तो कितने हुए बताइए? हाँ सात। पांच छह सात। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सात। देखा आपने बच्चों, ये तो आपने जोड़ा, ऐसे आपको जोड़ करना है। अच्छा बताइए, अगर मेरे पास अस्मिता चार चॉकलेट है, ठीक है, कितने? चार। ठीक है, और मम्मी ने मुझे जीरो दिया, जीरो चॉकलेट, यानी जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी जरा बताओ? हाँ चार। 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 तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? चार। जैसे मेरे पास है एक दो तीन चार, और इसमें मैंने एक भी मोती नहीं जोड़ा, यानी जीरो मोती जोड़ा। तो अब मेरे पास कुल कितने रहे? वेरी गुड। तो बच्चों हमने देखा, एक तरफ हमने ऐसे जोड़ किया, सीधी लाइन वाला, है ना, ऐसे जोड़ा। अब यहाँ पे ये देखो, हम ऐसे जोड़ रहे हैं, ये देखिए, ये कितना लिखा है जरा बताएंगे आप? छह। और छह में जीरो जोड़ा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? वेरी गुड, क्या लिखूंगी? छह।
तो इस तरीके से आज हम करने वाले हैं एक तो ये वाले जोड़, साथ में शाब्दिक जोड़। ये शाब्दिक जोड़ क्या होते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम और हिंदी में कहते हैं शाब्दिक प्रश्न। तो चले हम अपने क्लासरूम में। चलिए आज क्या है सुविचार हमारा? लालच बुरी बला है। हमें ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। आज दिनांक क्या है? 26/10/2020 सोमवार अक्टूबर। और आपकी कक्षा क्या है बच्चों? पहली। और आज का विषय क्या है हमारा? गणित। बोल ही रहे हैं आप लोग। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? जोड़ में शाब्दिक प्रश्न पुनरावर्तन, यानी हम रिवीजन ये हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपनी। यस टीचर। ओहो, यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आइसक्रीम। आइसक्रीम कैंडीज यहाँ पे हैं, वो भी चोकोबार। ऊपर कितने हैं जरा गिनो तो जरा। तीन। तीन। और नीचे दो। टेजल के पास थे तीन आइसक्रीम कैंडीज और मम्मी ने और दो दिए, कहा कि सबको बराबर बांट लो आप। तो तीन और दो को मिलाया तो कितने कैंडीज हुए जरा बताओ? पांच। एक दो तीन चार पांच, यानी तीन और दो को मिलाया तो हो गया पांच। वेरी गुड। आगे बढ़े, ये देखो अब बच्चों ये शाब्दिक प्रश्न कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊं। जैसे मैंने कहा तालाब में कितने बतख थे? एक दो तीन चार पांच, पांच बतखें थी, तीन और बतखें आ गई। तो अब बताइए कि तालाब में पूरी बतखें कितनी होंगी? कुल पांच और तीन, आठ। क्या कहेंगे आप? आठ। आठ। तो हम लिखे इसे, यहाँ पे हम लिखेंगे आठ। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए तेजल के पास थी छह गुड़िया, पापा दो और गुड़िया ले आए। अब बताओ तेजल के पास कुल कितनी गुड़िया हो गई? एक दो तीन चार पांच छह, और छह के साथ दो और जोड़ी पांच और आठ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आठ। आगे बढ़े। ये देखो मेरे पास चार चॉकलेट और मुझे पूरी आठ चॉकलेट चाहिए, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को देनी है। तो चार में मैं कितना और जोड़ू कि आठ हो जाए जरा बताएंगे आप लोग मुझे? चार। 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 चार पांच छ सात और आठ, यानी कितने हुए गिनो तो जरा। आठ। एक दो तीन चार, यानी चार में जब मैं चार जोड़ूंगी बच्चों तो मेरे पास कुल कितने हो जाएंगे बताओ? आठ। 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 आप समझे? yeah. चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये खरगोश कह रहा है भाई मुझे छह गाजर चाहिए, लेकिन मुझे दोनों बराबर बराबर चाहिए कि छह हो जाए, हम सब दोस्त दोनों दोस्त मिलके बराबर बराबर खाएं। तो यहाँ यहाँ पे मुझे कितना कितना रखना चाहिए बताओ तो जरा? तीन तीन। अरे वाह, वेरी गुड। देखो एक दो तीन
चार, पांच और छह। अब बराबर बराबर करेंगे तो देखो तीन और तीन, तो तीन में तीन जोड़ा तो हो गए छह, है ना? यस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों ये देखिए, ये आपकी किताब है, आपकी किताब आप अपने हाथ में उठा लीजिए और उसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं, सलील के पास कितने चौक हैं बताइए, बताइए। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है छह, छह। सलील के पास छह चौक हैं, हमीद ने उसे कितने चौक दिए जरा बताओ, छह। सलील के पास छह चौक है, हमीद ने उसे तीन चौक दिए। आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं, आपकी किताब में है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये तीन चौक में अंडरलाइन किया है कि नहीं? यस। सलील के पास कितने चौक हैं? छह। हमीद ने उसे दिए तीन चौक और दिए, अब सलील के पास कुल कितने चौक हो गए? नौ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सलील के पास चौक छह, हमीद के पास चौक तीन, और छह और तीन मिला के हुए कुल चौक नौ। अब ऐसे ही बच्चों आगे आओ, आप ये पढ़ो, केतन के पास चार बादाम, केतन के पास कितने बादाम? चार। और नेहा के पास कितने बादाम? चार। तो दोनों के पास कुल मिलाकर कितने बादाम होंगे जरा बताइए आप? आठ। वेरी गुड। तो कैसे करेंगे हम, चार और चार उंगलियां करो, एक हाथ की चार उंगलियां, दूसरे हाथ की चार उंगलियां मिलाया और हमने लिखा ये आठ, है ना? अब आगे बढ़े, ये पढ़ो, जोसेफ के पास है सात फूल, जोसेफ के पास बच्चों कितने फूल है? सात। और एंजल के पास है दो फूल, एंजल के पास कितने फूल? दो। तो दोनों के मिलाकर कुल कितने फूल हुए? अब बच्चों ये बॉक्स दिया है, दिया है आपको, इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे? जोसेफ के पास फूल, जोसेफ के पास कितने फूल? सात। तो मैंने यहाँ पे लिखा सात ऐसे, दो। और एंजल के पास फूल? दो। तो मैंने लिखा दो ऐसे। ये दोनों के मिलाकर कुल कितने फूल, यानी मुझे इसको जोड़ना है, जब जोड़ूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास एंजल और जोसेफ के पास कितने फूल हुए। देखिए नहीं, ये सात है, ये दो है, सात और दो को मिला के कितना हुआ? तो हम कैसे करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को दिमाग में रखो और छोटी संख्या है दो, तो सात के आगे की गिनती बोलो, दो और आगे बोलो, तो सात, आठ और नौ। वेरी गुड। तो कुल फूल सात और दो को मिलाया तो कुल कितने फूल हुए बच्चों? चलिए हाँ, नौ हुए, सात और दो को मिला के कितने हुए? हाँ। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिया के पास पांच मणि है, कितने मणि है बच्चों? अब परमीत के पास तीन मणि है, दोनों को मिलाकर कितने मणि है? यहाँ पे लिखा है जिया के पास मणि और परमीत के पास मणि, कुल मणि। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये लिखा जिया के पास पांच मणि, परमीत के पास तीन मणि, तो दोनों के मिलाकर कितने मणि? तो मैंने क्या किया, इसको क्या क्या चिन्ह लगाया, पहले जोड़ का,
अब पांच और तीन मिला के कितना हुआ जरा बताओ। एक हाथ में पांच उंगलियां करो और दूसरे हाथ में तीन उंगलियां करो। सात आठ नौ। गलत। पांच छह सात आठ। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? आठ। अब आगे बढ़े बच्चों, ये आपके पास अगले 31 पेज में आ जाओ तो आपको ऐसा दिखाई देंगे, दो फूल दिखाई देंगे। देख रहे हैं आपको? आप अपनी किताब में देखो तो जरा। यस टीचर। दिखाई दिया आपको? हाँ, तो ये पंखुड़ियां हैं, ये फूलों की पंखुड़ियां हैं। और यहाँ पे बीच में लिखा है आठ। क्या लिखा है बच्चों? आठ। अब यहाँ पे पता है क्या कहा है कि बीज के गोले की संख्या के बराबर उत्तर वाली पंखुड़ी को रंगो। यानी छह में जब मैंने दो जोड़ा तो कितना आया बच्चों? छह सात और आठ। हाँ, क्योंकि ये आठ है तो मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया, नीला रंग कर दिया। आप मुझे बताओ, दो और चार को मिला के आठ होता है? नहीं। कितना होता है? छह। छह। तो क्या मुझे इसको रंग करना चाहिए? नहीं नहीं। ये देखो, ये पांच है और ये तीन है। पांच छह सात और आठ। तो क्या मुझे इसको कलर करना चाहिए? बिल्कुल सही, मुझे इसको कलर करना है क्योंकि ये आठ और ये भी आठ। तो आप इसको क्या करोगे? पांच और तीन आठ होते हैं, तो इस पंखुड़ी को आप कलर करोगे। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये कितना लिखा है बोलो? चार में चार को जोड़ा। तो कितना हुआ? चार में चार जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? आठ। तो क्या मुझे इसको कलर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी आठ है तो मुझे इसको कलर करना चाहिए। अब यहाँ देखो बच्चों, ये है तीन, ये है चार। कितने हुए तीन और चार मिला के? कितने हुए? एक तरफ चार उंगली बताओ और एक तरफ तीन उंगली बताओ और गिनो उसे। चार पांच छह और सात। तो क्या मुझे इसको कलर करना चाहिए? नहीं, मुझे इसको कलर नहीं करना चाहिए बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाली पंखुड़ी की। अब यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है जरा बताओ? नौ। ये क्या है? नौ। ये नौ। क्या है? नौ। अभी हमें उसी पंखुड़ी को कलर करना है जहाँ पे टोटल होगा नौ। अभी पांच और चार को मिलाओ तो जरा बच्चों, क्या नौ हो रहा है? पांच और चार, पांच छह सात आठ और नौ। बिल्कुल सही, ये नौ हो रहा है तो मुझे इसे कलर करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, चार और तीन को जोड़ूंगी तो क्या नौ हो रहा है? नहीं, सात होगा। सात होगा, तो क्या मुझे इसको कलर करना चाहिए? नहीं, इसको मुझे कलर नहीं करना है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, ये है छह, ये है तीन। छह सात आठ और नौ। ये पंखुड़ी तो नौ वाली है तो क्या मुझे इसे कलर करना चाहिए? हाँ। नहीं, हाँ। बिल्कुल हाँ, क्योंकि छह और तीन मिला के हो रहे हैं नौ। नौ। ठीक है। अब ये देखो, ये है दो, ये है पांच। बताइए कितना रहा दो और पांच को जोड़ा तो? सात। तो मुझे इस पंखुड़ी को कलर करना चाहिए? नहीं। नहीं।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। अब ये कितना है? सात, ये है दो। सात, आठ और नौ। तो क्या मुझे इसको कलर करना चाहिए? हाँ। आप लोग कर रहे हो ना कलर? चलो हो गया आप लोगों का करके? आप लोगों ने कर लिया? चलो आगे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रही है? ये तितलियां दिखा दे रही है मेरे बच्चों को। यहाँ पे आप ये देखो, अब हमको ना जोड़े मिलाने हैं। कैसे जोड़े मिलाएंगे बताओ? चार और तीन को जोड़ो तो कितना होता है? चार और तीन, चार पांच छह सात। अच्छा सात, इसको सात को मैं कहाँ मिलाऊं बताओ? तितली को सात वाले फूल में, ये देखो ऐसे आपने मिलाया। मिला लो। अब मेरी दूसरी तितली देखो नीचे, जिसमें लिखा है छह और दो। छह और दो को मिला के कितना होता है बताओ? छह सात आठ। तो मैं उसी फूल के पास जाऊंगी जिसके पास आठ लिखा होगा। तो मैं ये तितली उड़ी, उड़ के बिल्कुल आठ के पास चली गई। ये देखो आप लोगों ने किया। अच्छा ये देखो, ये सात है और ये जीरो है। सात और जीरो को मिलाया तो कितना हुआ? सात। अब मैं उसी फूल में जाऊंगी तितली को लेकर जहाँ लिखा है सात। तो मैंने अपने पेंसिल से ऐसे घुमाया और ये सात वाले फूल में चली गई। अभी आए आपने किया? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये है सात, ये है दो। ये तो नौ तो आया ही हुआ है, ये तो उन्होंने पहले से किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये है पांच और ये है एक। मिलाइए पांच और एक छह। अब मैं उसी फूल में जाऊंगी तितली को लेकर जहाँ पे छह लिखा है। चलो हम चलें 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 चलें। ये देखिए आए हाँ ये आप लोगों ने हाँ। अब यहाँ पे देखो लास्ट है ये तीन और ये है दो। पांच पांच। हाँ हमारा एक फूल बच गया है पांच वाला। कौन से रंग का है बताओ? पीला। वेरी गुड, ये है पीला। और इस तरीके से हमने ये वाला जोड़ भी पूरा कर लिया। जोड़े मिलाओ, हो गया आप लोगों का? हो गया। अब बच्चों ये देखिए, ये आप लोगों के लिए मेरे बच्चे बताएंगे कि आठ लिखा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कौन कौन सी संख्या लिखूं कि आठ हो जाए बताओ? चार, पांच। हाँ फिर से सोच के बोलो, अपने हाथों की उंगलियों से बोलो। मैं आपको आसान बताऊं? चार। सात में एक जोड़ा कितना हुआ? आठ। छह में एक जोड़ा, एक जोड़ा कितना हो गया? चार। उसके बाद यहाँ पे आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए। चार में एक जोड़ा। चार में एक जोड़ा हो गए पांच। अब आप बताइए, यहाँ बताइए। आठ में एक जोड़ा तो वेरी गुड।
आँख में एक। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने अपना शाब्दिक प्रश्न भी पूरा किया। तो आप लोगों को समझ में आया जोड़ आज? यस टीचर। वेरी गुड। अब हम मिलेंगे कब? बुधवार को। बुधवार को ठीक है। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।